दोस्तों आप सभी लोग डिवोर्स यानी कि तलाक के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महंगा तलाक किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति व अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस के बीच 3800 करोड़ डॉलर यानी करीब 260,110 करोड़ रुपये में तलाक का समझौता हुआ। इसके तहत अमेजन कंपनी के 1.97 करोड़ शेयर मैकेंजी को मिलेगा। इसके जरिए मैकेंजी न केवल कंपनी के 4% की हिस्सेदारी हो जाएगी बल्कि वो पूरे विश्व में 22वें स्थान पर सबसे अमीर व्यक्तियों में बेशुमार हो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों का विवाह 1993 में हुआ था और उनके इस समय 4 बच्चे हैं। जेफ ने 1994 में सिएटल में अपने गैराज में अमेजन कंपनी की स्थापना की थी। तब इसे उन्होंने कैडबरा नाम दिया था, लेकिन बाद में दक्षिण अमेरिकी नदी के नाम पर अमेजन का इसका नामकरण हुआ। इसे उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया था और फिर बाद में अन्य उत्पाद बेचते हुए आगे बढ़े। इसे विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी बनाया और खुद भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए।